गाजियाबाद की सिहानी पुलिस ने बीती रात 5 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। रात हुई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश मोइन पुलिस की गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिससे I-20 गाड़ी बरामद की गई, जिसे मोइन ने लूट के बाद हासिल किया था। पुलिस की माने तो 27 मई को बदमाशों ने सिटी फॉरेस्ट के पास एक I-20 कार को रोक उसके चालक की कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर लूटी थी। पिछले महीने की 27 तारीख को सियानी गेट के राजनगर एक्सटेंशन एरिया में एक I-20 कार को कुछ बदमाशों द्वारा लूटा गया था, जो कि फॉर्च्यूनर में आए थे, गाड़ी रोक कर गाड़ी लूट ली गई थी। इस संबंध में इस घटना के अनावरण के लिए थाना सियानी गेट की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लूटी हुई I-20 वो फॉर्च्यूनर जिससे कि घटना की गई, और 2 अन्य कार, एक ब्रेजा और एक I-10, जो कि थाना सिहानी गेट और दिल्ली से चोरी की है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो मुख्य इसमें आरोपी है, उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, उसमें वो घायल भी हुआ, उसे हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है। उसका नाम मोइन उर्फ मोनी है, जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला, और उसके 30 के करीब पुराने मुकदमे हैं गाड़ी लूट की और गाड़ी चोरी करने की। इसके अलावा 4 लोग और पकड़े गए हैं, जिनके पास से अवैध असलाह इत्यादि बरामद हुए हैं। एक और व्यक्ति है जो कि इस गैंग में काम करता है। पूछताछ में इन्होंने ये बताया है कि ये यहाँ से गाड़ी चोरी करके या लूट करके नॉर्थ ईस्ट में ले जाकर बेचते हैं। हमारी टीम काम कर रही है अन्य गाड़ियों की बरामदगी के लिए, और जो एक व्यक्ति वांछित कर गया उसकी गिरफ्तारी। तरीका क्या था काम करने का, किस तरीके से गाड़ी को चोरी करते थे, जगह कैसे चिन्हित करते थे? देखिए, ये मोस्टली थोड़ी पुरानी गाड़ियाँ टारगेट करते थे, जिनको कि रीसेल करने पे कोई शक ना हो, और दिल्ली में, हरिद्वार में, मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में ये पहले कई घटना कर रहे हैं। सर, कुछ RC में चेंजिंग का मामला भी सामने आया है, सर क्या जिस तरह के चेंजिंग करते थे? देखिए, जब ये गाड़ी लूटते थे या चोरी करते थे तो अधिकतर इनको अंदर ही गाड़ी के कागजात मिल जाते थे, उसी से संबंधित ये DL वगैरह बनवा लेते थे, जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स रहते थे, और तब फिर इसको बेचते थे ताकि खरीदार को शक ना हो कि उसको कोई चोरी या लूट की गाड़ी बेची जा रही है।